सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है, संतान भी है, संतान का सुख भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पारिवारिक क्लेश ऐसे हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी हैं जिनसे एक तरह से परेशानी घर के अंदर है जी। तो उनको दूर कैसे किया जा सकता है, वो क्या उपाय इस जन्माष्टमी पे हो सकते हैं जो इंसान करें तो पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, जब भी पारिवारिक जीवन की हम बात करते हैं तो ज़रूरी है कि घर में एक तरह का बैलेंस होना, और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में कलह कलेश है, घर में वास्तु एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके लिए कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय तुलसी है, और अगर आप तुलसी का पौधा ख़ास तौर पर कृष्ण जन्मोत्सव के दिन घर में लेकर के आते हैं, अगर आप घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा घर में लेकर के आते हैं, तो कई सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो रोग हो, चाहे घर के कलह कलेश हो, चाहे वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं हो। तो घर में तुलसी का पौधा आप ला करके ज़रूर स्थापित करें, साथ ही में तुलसी का एक पत्र रोज़ आप भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर अर्पित करें। देखिए, आप जब भी देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी की जो प्रतिमा है, आपने पहले एक प्रश्न किया था कि भाई जन्माष्टमी का पर्व या श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव जो है वो हम अष्टमी तिथि से लेकर के भगवान की छठी तक मनाया जाता है, और वैसे तो जो लोग लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा घर में रखते हैं ना, उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो रोज़ उनको स्नान कराते हैं, रोज़ श्रृंगार करते हैं, और रोज़ ही अपनी भक्ति जो है उन पर लुटाते हैं। तो एक तरीके से रस देने वाली है। अगर आप एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं, अगर आप उन्हें भक्ति के साथ नहीं करेंगे, सच्चे मन के साथ, एक विश्वास के साथ नहीं करेंगे, तो आपके उपाय करने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। आप सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से कोई भी उपाय कीजिए, वो आपके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव आउटकम लेकर के आएगा। तो घर में, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश है, पारिवारिक सुख नहीं है, तो तुलसी का पौधा ला करके घर में स्थापित कीजिए, इस दिन लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा ला करके स्थापित कीजिए, और कोशिश कीजिए आप भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें, उससे धन धान्य का भी सुख रहेगा। ठीक है, लेकिन इस भरपूर मात्रा के बावजूद कई जगह विवाद होते हैं, और स्पेसिफिकली करिश्मा जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कई परिवारों में भाई भाई में विवाद है, पिता पुत्र में विवाद है, माता और बेटी में नहीं बन रही है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लोगों का कई जगह दाम्पत्य जीवन एक तरह से बिखर जाता है कुछ वजहों से, क्या जन्माष्टमी पे कुछ उपाय ऐसे हो सकते हैं कि उसमें मधुरता आ जाए? जी, सबसे पहले तो मैं कुछ पंक्तियाँ गाना चाहूँगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये गीत नहीं है, ये मंत्र है, 16 शब्दों का मंत्र है, और ये मंत्र अगर आप इस प्रेम से, इस भक्ति भावना से, ऐसी मुस्कान लेकर के अपने घर में इसको गाएं, या फिर इसका आप जो उच्चारण कर सकते हैं, कैसे आजकल YouTube से लोग चला लेते हैं, तो अगर आप सारा दिन ऐसे भक्ति से भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करें तो घर में वैसे भी कलेश कट जाते हैं। दूसरी चीज़, कलेश सबसे ज़्यादा किस वजह से उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, और अहंकार कौन लेकर के आता है? राहु लेकर के आता है। जब सर पे राहु सवार हो जाता है तो कहीं ना कहीं अहंकार व्यक्ति के मन में वैसे आ जाता है, मैं आ जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, और यही मैं, यही अहंकार काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट पे जो है मोर पंख है, तो मोर पंख जो है आप भगवान श्री कृष्ण जी को इस दिन अर्पित कीजिए। कोशिश करें 108 मोर पंख जो है भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करें, और इस जन्माष्टमी महोत्सव के बाद आप इस मोर पंख को, जो 108 मोर पंख है, इसका एक फ्लावर वाज बना करके, जैसे हम फूलों के तरह सजाते हैं ऐसे, इसको बना करके अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, जो कि राहु की डायरेक्शन है। आप यकीन मान करके चलिए कि घर में किसी भी तरह का, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कलह नहीं होगा, कलह नहीं होगा। मैं बचपन में पढ़ता था और कहा यह गया कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही, और प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि उसमें दो व्यक्ति आ ही नहीं सकते, या तो मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, या फिर प्रेम रहेगा, बाकी बीच में
कुछ और नहीं हो सकता, तो यही बताने की कोशिश करिश्मा जी कर रही हैं। एक और प्रश्न जो लोग भी पूछ रहे हैं और बहुत से लोगों के जहन में ये प्रश्न है, हमने अभी वैवाहिक जिंदगी में अगर कोई क्लेश है, कोई विघ्न है, तो उसमें क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना। लेकिन प्रतीक जी, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका वैवाहिक जीवन शुरू ही नहीं हो पा रहा है, वो उसकी पहले की बाधाओं से इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो वो पूछते हैं कि कब तिथि बन रही है, कब लग्न बनेगी, कब दिन आएंगे कि हमारी भी शादी होगी और हम फिर दूसरे क्लेश का आनंद उठा पाएंगे। तो दूसरा आनंद लेने के लिए उसमें प्रवेश करना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या योग बन सकते हैं या क्या हम कर सकते हैं? देखिए, वैसे भी श्री कृष्ण वात्सल्य के प्रतीक हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेम के प्रतीक नहीं है, वात्सल्य के प्रतीक हैं। और आज के युग में प्रेम का एम होता है और श्री कृष्ण इसके सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हैं। ना ही कोई मैं था, ना ही कोई एम था, जो भी था इस धरा के लिए वात्सल्य था। तो खास तौर से ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको माखन मिश्री से आज श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाना चाहिए। एक और चीज कहा जाता है, बांसुरी की धुन से समस्त ब्रजवासी भागते हुए चले आते थे, तो आज की डेट में जन्माष्टमी के दिन आप अगर बांसुरी श्री कृष्ण की घर पर लाकर श्री कृष्ण के समक्ष रखेंगे, तो निश्चित तौर पर इस उपाय से जो लोग सिंगल हैं उनके यहाँ शहनाई जल्दी बच सकती है। तो तमाम तरह की जो ये बाधाएँ हैं, इसे दूर करने के लिए आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। घर में श्री कृष्ण का झूला ला सकते हैं, अगर ऑलरेडी है तो उसे सुसज्जित करें आज के दिन। गाय और बछड़े की फोटो ला सकते हैं या उसकी मूर्ति ला सकते हैं संतान संबंधी चीज़ों के लिए। तो निश्चित ये छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े लाभ लेकर आते हैं। तो बांसुरी का उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय उनके लिए है जो भी कोई लोग सिंगल हैं। और दक्षिणवर्ती शंख से आज के दिन अगर आप श्री कृष्ण की प्रतिमा को, मूर्ति को स्नान कराते हैं और ये कामना करते हुए कि हे श्री कृष्ण, मुझे एक सुपात सक्षम और स्थायित्व वाला पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिले, तो उसकी वो मनोकामना इस स्नान से ही कहते हैं पूर्ण हो सकती है।